लातेहार के सदर थाना परिसर में एसडीओ शेखर कुमार की अध्यक्षता में मोहर्रम पर्व में सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधान को लेकर बैठक हुई। बैठक में एसडीओ ने कहा कि पर्व त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की आवश्यकता है। बैठक में मोहर्रम पर्व को शांति एवं आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से मोहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा उसका पूर्व में निर्धारण एवं सत्यापन कर ले। उन्होंने जुलूस निकाले जाने के दौरान बिजली से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए बिजली विभाग के सहायक अभियंता को उस दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यदि किसी तरह की झूठी खबर या अफवाह पोस्ट किया जाता है तो अविलंब इसकी सूचना पुलिस को दे, जिस पर त्वरित गति से कार्य किया जा सके। एसडीओ ने संवेदनशील स्थानों पर वीडियो कैमरा एवं ड्रोन से वीडियोग्राफी करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित रूट से ही जुलूस निकाला जाएगा। मौके पर प्रमुख परशुराम लोहरा, वीडियो मेघनाथ उराव, थाना प्रभारी आशुतोष कुमार, सरयू प्रसाद सिंह, महेंद्र प्रसाद, ललित पांडे समेत कई लोग उपस्थित थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट।